सेवा का मिलो। सबसे पहले हमारे गुणवाना के समग्र क्रांति आंदोलन के जनक परम श्रद्धेय गुणवाना रत्न हाजपेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में सादर सेवा जोहार। और हमारे इस माटी पत्र गांव के पेन शक्तियाँ खेर फूट की शक्तियाँ सभी को पेन जोहार सेवा जोहार। और आज के इस क्रांति दिवस के और 1857 के क्रांति के उद्घोषक हमारे गढ़ा मंडला रियासत के महाराजा शंकर शाह और राजकुंवर रघुनाथ शाह मरावी जी के चरणों में सेवा जोहार क्रांति जोहार। और आज इस क्रांति दिवस के अवसर में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि परम सम्माननीय तिरुमाल जयनाथ सिंह खेराम जी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुणवाना गणतंत्र पार्टी भारत, इनके भी चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम सम्माननीय सुश्री राजकुंवर ऋतु पंद्राम जी प्रदेश महासचिव गुणवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। और साथ में आई परम सम्माननीय पोर्ते जी, उनके भी चरणों में सादर सेवा जोहार। और इस मंच में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के जिला सदस्य हमारे संधि राजा तिरुमाल मुखी मरकाम जी को भी सादर सादर सेवा जोहार। और इस ग्राम के सरपंच भैया तिरुमाल लाल सिंह ध्रुवे जी, ग्राम पंचायत बाटी पत्रा को भी सादर सेवा जोहार। और इस सभा में उपस्थित क्रांति दिवस के अवसर पे उपस्थित सभी अतिथिगण हमारे गुणवाना गणतंत्र पार्टी के, गुणवाना समाज के, जीएसयू के, गुणवाना भूमकर संगठन के, जितने भी हमारे पदाधिकारी गण आए हैं प्रदेश के, जिला के, ब्लॉक के, तहसील के, क्षेत्र के, ग्राम के, सभी को एक साथ सामूहिक रूप से सादर सादर सेवा जोहार। और हमारे इस सभा में बैठे गुणवाना के भाग्य विधाता राजा रानिया राजकुमार राजकुमारिया मातृशक्ति पितृशक्ति युवा शक्ति युति शक्ति सभी के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। आज हम इस क्रांति दिवस के अवसर पर आज उस इतिहास को याद करने के लिए बैठे हैं, उस क्रांति को याद करने के लिए बैठे हैं, उस इंकलाब को याद करने के लिए बैठे हैं, उस बलिदान को याद करने के लिए बैठे हैं, जिसके बारे में हमें गहन और गंभीरता से सोचना और चिंतन करना चाहिए। आज ऐसा हो गया है, फर्स्ट में जब दादा मरकाम जी शुरू किए क्रांतिकारियों की शहादत दिवस मनाना, बलिदान दिवस मनाना और समाज को इकट्ठा करने के लिए इसको मनाया गया, हमारी समाज को इतिहास को बताने के लिए या गुणवाना मिशन के तहत इसको प्रारंभ किया गया। लेकिन आज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये बफालो सिस्टम हो गया है।
आदिवासी कल्चर की बात करते हैं लोग, गुणवाना संस्कृति आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति में जीते नहीं है। सामाजिक सम्मेलन सभा हुई तो सभी लोग अपने मूल पोशाक में आके उसको प्रदर्शनी कर लिए आते हैं। तो ये हमारी जो जीवन शैली है वो प्रदर्शनी नहीं है, नौटंकी नहीं है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए, इनको हमको जीना है। आप देखे हैं एक वर्ष पहले कोरोना महामारी आई थी, हमारी समाज वो समाज है जो विषम से विषम परिस्थिति में जिंदगी जीने की उनके पास हुनर है, कला है, वो रक्तवीर है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकती। इस देश में कई अप्रांताएं आए, आर्य आए, फ्रांसीसी आए, हूण आए, मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, लेकिन क्या आदिवासी व्यवस्था को डिगा पाए? हमारी लोग अपनी व्यवस्था को विषम से विषम परिस्थिति में जिंदा रखने की वो कला जो हमारी पास वो महारत है, उसको हमको जानने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात, आज हमारे लोगों के अंदर मुझे तो ये लगता है कि सामाजिक रूप से कभी हम पिछड़े नहीं हैं, ना ही सांस्कृतिक रूप से हमारे लोग पिछड़े हैं। हमारे लोग पिछड़े हैं तो वो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। आज आपको हर लोग बोलते हैं कि गुड़वाना गणतंत्र पार्टी वाले, गुड़वाना वाले राजनीति बात करते हैं, सामाजिक मंचों में बोलते हैं, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, मरगाम गोत्र का है वो धमधागढ़ क्यों बताता है? मरावी गोत्र के मंडलागढ़ क्यों बताता है? कहीं ना कहीं वो तो राज सत्ता की बात कर रहे हैं, उनके गोत्र में ही राजनीति है, उनकी गोत्र में ही गढ़ है, और गढ़ है तो उनके पूर्वज राजा महाराजा थे, और राजा महाराजा थे तो उसके डीएनए में ही राजनीति है। इसलिए हम चाहे सामाजिक मंच हो, चाहे सांस्कृतिक मंच हो, चाहे धार्मिक मंच हो, हम खुलेआम राजनीति की बात करेंगे। राजनीति हमारे डीएनए में है। आज किसी को दादा मरकाम हमेशा कहता था, हम दोनों सारा भाटो जो जोड़ी है, हमारे मरकाम जी बैठे हैं उनके साथ हमारा पक्का जोड़ी है, जैसे पति पत्नी का संबंध रहता है वैसे हमारा जोड़ी कटत नहीं। अभी भी हम एक सप्ताह हो गए इस क्षेत्र में घूम रहे हैं दोनों जने। हम हमेशा कहते, दादा मरकाम कहता था मिर्ची लगाओ मिर्ची लगाओ, तो हम इनके साथ दादा मरकाम जी को भी बोलते थे दादाजी हमको जमीन में मिर्ची नहीं लगानी है, इन बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रोजेक्टेड आदमी हैं उनको मिर्ची लगानी है, बोल बोल। आज हर लोग बोलते हैं सत्ता में आ गए, जिसका सत्ता जिसका लाठी उसका भैंस, जिसका सत्ता है उसी का कारोबार चलता है। ये जो थिंकिंग जो सोच है हमारी लोगों की, ये बहुत गलत है। हमारी साथ सामाजिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय हमारे समाज के साथ, हमारे कुटुंब के साथ होता है, जिसको हम हर मंच में बोलते हैं कि आप मेरे को ये बताइए, यहाँ सरपंच है, जनपद है, जिला है, किसके किसके बदौलत है? वो रिजर्वेशन के बदौलत। अब रिजर्वेशन किसके लिए मिला है? हमारी समाज के लिए मिला है, लेकिन वो हमारी बदौलत बना है, हमारी समाज के करेक्टर में बना है। अब बनने के बाद कहता है कि मैं बीजेपी और कांग्रेस का जनपद और जिला पंच सरपंच और विधायक हूँ, कहता है। तो ऐसे लोगों को तो सरेआम समाज में परीक्षा करनी चाहिए। बहुत सोचने, अरे उस बीजेपी और कांग्रेस तो आपको इतना है घृणा करते हैं, अगर आरक्षण नहीं होता तो आपको विधायक और पंच सरपंच बनाने की तो बहुत दूर की बात है, वो टिकट भी नहीं देते। अब उसका जीता जागता सबूत हमारे कवर्धा विधानसभा है, हमारे कवर्धा विधानसभा में बहुत बड़े राजा है, 22 स्टेट की जो उस समय स्टेट चलता था, तो 22 स्टेट की एक जमींदार जो कवर्धा रियासत को मिली थी, कवर्धा रियासत जिसको कवर्धा जिसका नाम पहला कौधूरा था, कौधूरा जो नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ का राजा करियार धुरवा था, और उसी करियार धुरवा के नाम से कौधूरा पड़ा, और उसी कौधूरा का अभ्रंश शब्द कवर्धा हुआ, और उसको कबीर धाम बना दिए, न कबीर का कहीं अंत न पंथ है यहाँ। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हमारी मूल इतिहास को बदला जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि, मैं तो हर लोगों को यही कहते हैं, हम मंच में चाहे
चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक समाज की जाति प्रमाण पत्र में वो एजुकेशन लेता है। बताइए कोई बिना जाति प्रमाण पत्र लगाए हुए कोई पढ़ाई किए होंगे तो? वो बनने के बाद समाज की कलेक्टर में बनता है और बनने के बाद उसी समाज को लाल आंखी दिखाता है, तो ऐसे में कहाँ चलेगा? ऐसे में तो ये सिद्ध हो गई, ऐसे में तो ये सिद्ध हो गई कि आरक्षण ने टोटल किसी आरक्षण में किसी का विकास हुआ है तो बीजेपी और कांग्रेस का विकास हुआ है। हमारी आरक्षण को बीजेपी कांग्रेस हाईजेक कर लिया है। इनके बारे में हमारी समाज को सामाजिक मंचों में सोचनी चाहिए। आज जिस उद्देश्य से, जिस परिकल्पना को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के रिजर्वेशन लाया गया, उसके मूल अर्थ को, मूल उद्देशिका को भी बदल दिया गया। अब तो इतना बात हो गई कि हमारी भारतीय संविधान को भी खत्म करने की बात चली आ रही है। क्योंकि जो प्रोजेक्टेड आदमी जो है, वो प्रोजेक्टेड आदमी लोगों को सोचना है, क्योंकि आज वो आपको अपने स्वार्थ के लिए सामने में ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। पहले वो आपके जरिए हमको खत्म करेंगे, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी खत्म कर देंगे। वो आपको भी भला करने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे क्रांति दिवस के अवसर पे हमको हमारी क्रांतिकारियों की जीवन गाथा सुनते हैं, तो उस क्रांतिकारियों के जीवन गाथा में विभीषण जैसे कई ऐसे ज्ञानचंद हैं जिसके वजह से वीरेंद्र नारायण सिंह हो, बिरसा मुंडा हो, चाहे शंकर साय रघुनाथ साय हो, ये अंग्रेजों के गिफ्ट में आए। अन्यथा उनके पास कोई इतना सूचना तंत्र नहीं था कि गुड़वाना के क्रांतिकारियों को पकड़ सकते थे। तो आज मुझे एक बहुत बड़ी इस कवर्धा जिला की उपलब्धि याद आती है, क्योंकि आज जब हमारे सतरंगी झंडा के ऊपर उसको उखाड़ा गया और उसके धार्मिक अपमान, सामाजिक अपमान किया गया, तो हमारे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के ही कार्यकर्ता लोग थे जिन्होंने उसको बचाने के लिए, उसको सम्मान के लिए जेल गए। बाकी गोर समाज के लोग, बाकी सर्व आदि समाज के लोग टोटल ये पीला गमछा और सतरंगी झंडा का इस्तेमाल करते हैं अपने पब्लिसिटी पाने के लिए। एक तो एक दिन हम वो भी दिन को देखे हैं जिस दिन पीला गमछा रखने वाले को जय सेवा और जय बड़ा देव बोलने वालों का सामाजिक बहिष्कार, गांव में हुक्का पानी बंद करते थे। आज वो दादा अमर काम की वो क्रांति थी, वो धैर्यता थी, वो उनकी ज्ञान थी, उनकी ऊर्जा थी कि जिन्होंने पीला गमछा जय सेवा जय बड़ा देव का अपमान करता था उनके मानने वाले को छोड़ते थे, मजबूर होके वही व्यक्ति पीला गमछा जय सेवा जय बड़ा देव कहने के लिए मजबूर हो। दादा हमेशा बोलता था कि आप अपना काम करो, दूसरे से आपको कोई मतलब नहीं, अपना काम करो। और दादा ने वो करके दिखाया है, तो हमको भी दादा के सिद्धांत में और दादा के विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो दादा के सिद्धांत में चल के आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे बीच कई प्रोजेक्टेड आदमी आ चुके हैं जो दादा के सिद्धांत को भी भटकाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा सगा बाप क्यों न हो, वैसे लोगों को भी बेनकाब करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने दादा मरकाम के साथ, हमारे पूरे तमाम साथी दादा मरकाम के साथ जहाँ जहाँ आते थे हर लोग कदम से कदम मिला के चले हैं। हमको इस गुड़वाना मिशन के इतना ही, हम उसके परिवार के सदस्य हैं कि वहाँ भी कुछ होता है तो हमको बोलने का अधिकार है। तो इसलिए आप अपने हक से, अधिकार से बोलिए, और जब बोलना सीख जाएंगे तो आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं दबा सकता। और आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। जैसे कोई गांव में महिला होते हैं लड़नकिन, जानते हो ना, लड़नकिन महिला होते हैं, तो उनको ना कोई नहीं छेड़ता। क्यों? अरे इसको कुछ बोलोगे तो लड़ने भिड़ जाती है। इसलिए आपको लड़का बनना है, लड़ने वाला, भिड़ने वाला बनना है, भिड़ नहीं बनना है।
आज हमें इस बात की खुशी है कि इस कवर्धा जिला के हमारे तमाम सिपाही जो आंदोलनकारी थे और हमारे जितने भी बैक सपोर्ट हमको दिए, उसके लिए हम अपने तहदिल से सेवा जोहार करते, उनके चरण स्पर्श करके सेवा जोहार करते हैं, जिसके बदौलत हम आपके सामने खड़े हैं। हम आपके गुलाम हैं, हम समाज के गुलाम हैं, और समाज के ऊपर अगर सांस्कृतिक अन्याय होती है, सामाजिक अन्याय होती है, राजनीतिक अन्याय होती है, तो जेल क्या फांसी के फंदे को भी चूम के झूलने के लिए तैयार है। इसलिए आपके लिए हम लड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं सोचना है कि जिस समाज के लिए हम लड़ रहे हैं वही समाज हमारा विरोध करते हैं। वो 100 में 10 आदमी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, 90 आदमी आपका विरोध कर रहे हैं, तब भी आप जगमगाइए मत, वो 10 आदमी एक दिन 100 बनने में कोई देर नहीं लगेगा। और जो आदमी सही रास्ते में चलता है उसका विरोधक ज्यादा रहते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। इसलिए समय भी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अभी इतना ही बोलूँगा, बाकी तो आपके बीच में बोलता ही रहता हूँ। हमारे बीच में हमारे परम सम्माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आए हुए हैं, तो हमको उनका सुनना है, इसलिए आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार, गंगा जोहार जोहार।